रणभूमि लाइव देख रहे हैं आप और लगातार आपको काउंटडाउन दिखा रहे हैं। ये घड़ी देख लीजिए, 8:30 बजे से थोड़ा ज्यादा वक्त हुआ है और 9 घंटे 27 मिनट का वक्त सिर्फ बचा हुआ है। तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है और अब से ठीक 9 घंटे 27 मिनट के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और ऐसे में यूपी में चौथे चरण के लिए तमाम दिग्गज ग्राउंड पर दिखाई देंगे। शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए तमाम दिग्गज दिखाई देंगे। 9 जिलों में वोटिंग चौथे चरण में होगी। उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये तमाम विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है और इनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखाई देंगे। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। अखिलेश यादव की भी चुनावी सभाएं हैं। उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर में भी खत्म होगा आज प्रचार और इसके साथ ही सीतापुर, हरदोई, ये तमाम जगह जहां पर दिग्गज ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल जया, तीसरे चरण का रण जो है वो समाप्त हो चुका है, चौथे चरण के रण का युद्ध शुरू हो चुका है। अलग अलग हिस्सों में तमाम सियासी दिग्गज आज दिखाई देंगे। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जिलों में लगातार मौजूद हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से है, रतीश त्रिवेदी उन्नाव से है, इसके अलावा भी और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहेंगे शाम के 6 बजे तक। फिर से सीधे आपको ले चलते रतीश के पास, उन्नाव से हर एक जानकारी वो दे रहे हैं। रतीश, अभी ताजा तस्वीरें वहां की क्या कहती हैं, बताइए तस्वीरों के जरिए और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कीजिए, किस तरीके से देखते हैं चौथे चरण के रण को। बिल्कुल, देखिए उन्नाव का जो फाइट है, उन्नाव का जो मुकाबला है वो भी काफी तगड़ा है और कई दिग्गज यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी कल रात में पहुंची, मोदी ने प्रधानमंत्री की रैली हुई, अखिलेश यादव भी आए और आज फिर अखिलेश यादव आएंगे, आज भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। लेकिन प्रचार की ये तस्वीरें हैं, उन्नाव सदर सीट से आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी ने युवा कैंडिडेट को उतारा है युवराज सिंह चंदेल को और लगातार प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। प्रचार के दौर के साथ साथ नारेबाजी भी हो रही है, हालांकि आम आदमी पार्टी के कोई बड़े नेता यहां पर आकर के प्रचार नहीं किया है, लेकिन ये युवा कैंडिडेट है इसलिए ज्यादा चर्चा इनकी हो रही है। एमबीए किया हुआ है और तमाम विरोधियों पर जमकर बोलते भी हैं, निशाना लगाते हैं, इनके मुद्दे भी हैं, एजेंडे भी हैं और लगातार उन्नाव की सड़कों पर केजरीवाल की जय जयकार हो रही है, केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, मंदिर दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में आशीर्वाद भी लिया जा रहा है, जीत का आशीर्वाद दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं, आप युवराज जी बताइए, मंदिर का आशीर्वाद भी ले लिया है आपने जी, मुद्दे क्या क्या लेकर के जा रहे हैं लोगों से जब प्रचार करते हैं, आज आखिरी दिन है, क्या बता रहे हैं? देखिए, हमारे जो भी मुद्दे हैं विकास के हैं और मैंने जैसे पहले बात की थी, मैं विकास को लेकर के और लोगों की समस्याओं को लेकर के खड़ा हुआ हूँ। बाकी मैं आपको एक जनरल बात बताना चाहूँगा जो मैंने फील किया है। देखिए, मैं देख रहा हूँ जगह जगह रोडें खुदी हुई हैं और पाइपलाइनें बाद में डाली जाती हैं, रोडें पहले बन जाती हैं, कोई भी चीज़ प्लान्ड वे में नहीं हो रही है। तो देखिए, हम युवा हैं और प्लानिंग को पहले प्राथमिकता देते हैं, चीज़ें अगर प्लान्ड वे में हो तो लोगों का पैसा बच सकता है। आप जैसे देखोगे, आप रोडें खोद देते हैं तो रोडें खोदे बिना पहले पाइपलाइन डाल दें, बाद में रोडे लगा बना दें तो उससे बहुत सारा पैसा बच जाएगा, फिर रोडे बना रहे, दोबारा काम हो रहे हैं। उसके अलावा समस्याएं जो आ रही हैं आपकी, जो हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय हैं, तो यहाँ पे माननीय लोगों ने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं अपनी सीसी ब्रिक्स की और ब्रिक्स डामर रोडे खोद करके वो बेमतलब प्लानिंग अपनी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और इनके, क्योंकि फ्री में बहुत कुछ देने का दावा भी आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन इस पर क्या जनता भरोसा जताती है ये भी देखना होगा। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जैसा कि आप फ्रेम में देख रहे हैं और देखिए, पंकज सिंह गौर सीतापुर से हैं, अवधेश मिश्रा रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फतेहपुर से हमारे साथ संदीप केसरवानी है, विवेक त्रिपाठी भी लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। तमाम दिग्गजों के चुनाव प्रचार पर लगातार ये हमें अपडेट करेंगे। संदीप केसरवानी का मैं रुख करूंगी, फतेहपुर से वो हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, क्या माहौल आज वहां पर आप देख रहे हैं, क्या तस्वीर इस वक्त, क्योंकि आज आखिरी समय है, चुनाव प्रचार का शोर थमने जा रहा है। जैसा कि बता दूं कि चौथे चरण का आज जिस तरीके से प्रचार प्रसार थम जाएगा और यहाँ पे दिग्गज जो है वो भी अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए आज शांत हो जाएंगे, वहीं आज जिले के अंदर जहाँ
पहले दिन अंतिम दिन है, वहीं पे देखते हुए यहाँ पे अनुप्रिया पटेल और यहाँ पे प्रमोद तिवारी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिसको लेकर के आज ही अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए यहाँ पे लोगों से अपील करेंगे। तो वहीं पे बड़ी संख्या पे यहाँ पे लोग भी उनके साथ एक हुजूम भी रहेगा। जैसा देखा जा रहा है, जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त कर रखा है। वहीं मतदान को लेकर के भी यहाँ पे लोगों से अपील की जा रही है। जी तो संदीप, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वहां पर कि कांटे की टक्कर तो दिखाई दे रही है, पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, मैं आपका रुख करूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। पंकज, क्योंकि अगर हम रायबरेली सीट की बात करते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती है। अदिति सिंह भी अब जब शामिल हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जरा लोगों से बात कीजिए, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, वो कितनी बड़ी चुनौती इस सीट को लेकर समझ पा रहे हैं। जी पंकज, आपको आवाज मिल रही है? देखिए पंकज तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड पर बने हुए हैं, उनके जरिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त शैलेश का रुख करेंगे, क्योंकि शैलेश लखनऊ में भी कांटे की टक्कर है। राजेश्वर सिंह हैं और उनके लिए कल मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए, कई दावे भी उन्होंने किए। इस वक्त जब आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, क्या माहौल आप वहां पर देख रहे हैं, क्या तैयारी तमाम दिग्गजों की तरफ से? देखिए निश्चित रूप से लखनऊ में अगर बाहर है तो कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। सरोजनी नगर सीट की बात करें, वीवीआईपी सीट है और शुरू से ही कितनी चर्चा में रही, किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि उस सीट से इस बार भाजपा ने अपने सरकार की जो मौजूदा मंत्री स्वाति सिंह की, उनके टिकट को काटा। उसके बाद चर्चा चली कई नामों पर, लेकिन आखिर में टिकट मिलता है राजेश्वर सिंह को, जो ईडी से जिन्होंने वीआरएस लिया। इसके बाद अगर बात करते हैं हम इस बार कैंट सीट की, देखिए मध्य सीट से पिछली बार चुनाव जूते थे कैबिनेट मंत्री जो बृजेश पाठक है, लेकिन इस बार उनकी सीट को बदल दिया गया, वो कैंट सीट से प्रत्याशी है। इसी तरह अगर बात करें तो लखनऊ की जो पूर्वी सीट है वहां से मौजूदा विधायक है आशुतोष टंडन, जो कैबिनेट मंत्री भी है। इसके बाद आप देखें जहां मौजूद है, यहां की तस्वीरें दिखाते हैं, डॉक्टर नीरज बोरा जो मौजूदा विधायक है लखनऊ उत्तर से और एक बार फिर से पार्टी के प्रत्याशी भी है। जब से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार इनके साथ जो लोग हैं, आप देखिए लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और निश्चित रूप से एक जोश एक उत्साह सभी दलों के लोगों में, देखिए छतों पर लोग खड़े देख रहे हैं, ढोल बाजे सुबह से ही चालू है। और देखिए आज अंतिम दिन है प्रचार का, 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा, ऐसे में जितनी ताकत है वो झोंकनी है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी जो करनी थी उसका समय निकल चुका। अब तो परीक्षा होगी और जनता तय करेगी कितने अंक देने हैं। तो एक बार फिर से बात करते हैं यहाँ पर लोगों से, देखिए हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे नीरज जी, विधायक जी ये बताइए विधायक जी, आमतौर पर कहा जाता है कि चुनाव के पहले नेताजी जनता के चरणों में, चुनाव के बाद जनता नेताजी के चरणों में, यहाँ ऐसा तो नहीं होने वाला? मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं तो यहीं जनता के बीच में हूँ और ऐसे प्रत्याशी सामने हैं जिनका ना आता है ना पता है और ना वो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हूँ, यहीं स्कूल किया है और यहीं पर रहता हूँ, तो जनता मुझे जानती है मैं कहाँ हूँ। जनता के बीच में सदैव उपलब्ध रहा हूँ और यह मेरा हमेशा के लिए मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि मेरी जनता की सेवा करते करते अंतिम सांस बीते। तो इतनी ही आसानी से उपलब्ध होंगे जनता को बाद में भी अगर जीत जाते? जी बिल्कुल, मैं इस क्षेत्र की जनता जानती है कि मैं सर्व सुलभ हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे कमरे में सीधे प्रवेश करे, मेरे घर में सीधे प्रवेश करे और मुझे जब बुलाता है तो मैं सीधे आता हूँ। एक चीज और, लखनऊ जो है राजधानी है, सभी लोग का सपना होता है विधान भवन तक पहुँचने का और 9 सीटों में एक सीट पिछली बार भाजपा से छूट गई थी, अगर बात करें मोहनलालगंज की वो सपा के पास थी, इस बार सपा और ज्यादा ताकत के साथ लड़ रही है, क्या लगता है चुनौती बढ़ेगी? देखिए इस बार, पिछली बार हमारे पास 9 में से 8 थी, एक छूट गई थी, इस बार जो आपने चुनौती कही है निश्चित रूप से इस बार 9 में 9 जीतने वाले हैं।
कोई नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं पूरा भरोसा जो इनका है। और यहाँ पर राजधानी लखनऊ की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वहाँ पर कितनी रंगत है वो और भी अहम हो जाती है, क्योंकि राजधानी तक पहुँचने की होड़ सभी में है। और राजधानी में क्या सीन इस वक्त बन रहा है, क्या पूरा सिनेरियो है, वो लगातार हम समझने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे। आप रहिए हमारे साथ, संदीप केसरवानी जुड़े हुए फतेहपुर से। संदीप, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं, आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो उनसे बातचीत कीजिए, किस तरीके से चुनाव को वो देखते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि 2022 को लेकर के वो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं और किस तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा जनता सबको मिलती है और उसके बाद जनता का ही विकास होता है। जी, किस तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं और किस तरीके की प्रत्याशी आप लोग जनता करना चाहते हैं? सरकार तो हम वो जैसी हमारी सरकार अभी 2017 से आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी की चली आ रही, उसमें चाहे महिलाएँ हों चाहे पुरुष हों, सबको लेकर हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से हैं और सब लोग कुशल हैं और हमें ऐसी सरकार चाहिए। जिले के अंदर विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक हमारे सदर विधायक विक्रम सिंह जैसे हमें तो लगता है कि वैसे ही विधायक हमें चाहिए, और हमें लगता है निरंतर जब भी चुनाव आए हमारे सदर विधायक विक्रम सिंह जी ही सदैव हमारे विधायक बनकर हमारे बीच में रहें। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे कुछ नहीं है, सारे जो भी मुद्दे थे सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लोगों का मानना है कि मुद्दा किसी भी तरीके का नहीं है, और लोगों की यहाँ पे और भी लोगों की राय लेंगे कि यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा समस्याएं तरह तरह में रही हैं, आखिर उनका किस तरीके का गुजरा जी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जब से हमारी योगी सरकार जी आई है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए पारदर्शी, बिल्कुल पारदर्शी चल रही है। और बिल्कुल संदीप, और देखिए यहाँ पर लोग ये मान रहे हैं कि जो उनके मुद्दे रहे हैं उन पर काम भी किया गया है, मौजूदा सरकार ने उस पर काम भी किया है, लेकिन जब आज आखिरी वक्त है तो ऐसे में किन किन मुद्दों पर फोकस रहता है दिग्गजों का, ये भी देखेंगे। आप तमाम सहयोगी बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। और 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। काउंटडाउन लगातार आपको दिखा रहे हैं और देखिए 9 घंटे 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है। आज ग्राउंड पर कई तरीके के चुनावी रंग दिखाई देंगे, तमाम दिग्गज ग्राउंड पर होंगे, और ऐसे में कहां पर क्या हलचल है इस पर भी लगातार हमारी नजर है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप केसरवानी का रुख करूंगी जो कि फतेहपुर से लगातार बने हुए हैं। संदीप, क्योंकि आज फतेहपुर में भी कई दिग्गज दिखाई देंगे, तो जरा लोगों से बात कीजिए, क्या उनके मन में चल रहा है और कौन कौन आज वहां पर पहुंचने वाला है, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे, उसकी भी जानकारी दीजिएगा। जैसे कि बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ सदर विधायक विक्रम सिंह हैं और इन्हें बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है और इनका हमेशा जनता के बीच में ही रहना रहा, और जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार थम रहा है तो आज इनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि चाय की चुस्कियाँ भी ये ले रहे हैं और इनसे सुबह सुबह इनसे अभी हम बात की थी, किस तरीके से इनका प्रचार प्रसार रहा और लोगों का इनके प्रति क्या रुझान है। रुझान की तो ये स्थिति है कि माननीय मोदी जी भी आए यहाँ पर और कई नेताओं ने आकर यहाँ सभाएं की, और पहली बार मुझे तीसरे चुनाव में ऐसा लगा कि फूल मालाएं भी आपको चोट पहुँचा सकती हैं। इस तरह से लाद दिया है लोगों ने फूलों से, तो उनका प्यार उनका सम्मान बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और जो जोश मैं देख रहा हूँ वो पहले और दूसरे चुनाव से कहीं ज़्यादा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम किसी भी पार्टी के साथ में लड़ाई में नहीं है, लेकिन फिर भी 23 तक हमें पूरी अपनी मेहनत करनी है, बूथों पर अपने लोगों को लगाकर पूरी तरह मुस्तैद रहना है, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा देखने में आया है कि कुछ अपराधी मानसिकता के लोग जो ठीक है सभी के अपने अपने दावे हैं और दावों में कितना दम है इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा, लेकिन चौथे फेज में वोटिंग जो होनी है उसको लेकर राय बरेली में कैसी तस्वीर है ये भी जान लेते हैं। पंकज सिंह वहां से लगातार बने हुए हैं। पंकज, कैसी तस्वीरें इस वक्त में आप वहां देख पा रहे हैं, कितनी हलचल है और कौन कौन वहां पर आज पहुंचने वाला है ये भी जरा बताइए, जल्दी से लोगों से बातचीत भी कीजिए।
आज रायबरेली रणभूमि बन चुकी है, चुनावी रणभूमि बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, स्वामी केशव प्रसाद मौर्य है। इस तरह से आज यहाँ पर दिग्गजों का जमावड़ा है, पूरी तरह से लोग अपने रणभूमि में पहुँच रहे। खास बात की अभी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता भी यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं प्रचार के लिए, और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी तो मैदान में सुबह सुबह ही निकल लिए, जैसे लगा आज वास्तव में आज अंतिम दिन है, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो उनको वास्तव में लगा कि आज अगर हम कुछ कर बिल्कुल पंकज बिल्कुल आज चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, अंतिम युद्ध है चौथे चरण के लिए, और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है, तमाम दिग्गज भी होंगे ग्राउंड पर।